बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की फिल्म पठान का ट्रेलर रिलीज हो गया है। यशराज फिल्म के बैनर तले बनी इस फिल्म का ट्रेलर शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम के एक्शन सीन से भरा हुआ है, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद कुछ नयापन नहीं दिखा। ये ट्रेलर आपको तमाम हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों की याद दिलाएगा। तेजी से बदलते सीन की वजह से कम इस ट्रेलर को 2 से 3 बार देखना पड़ेगा। जिस तरह से पठान के ट्रेलर आने का लोग इंतज़ार कर रहे थे, मगर उसमें वो दम नहीं दिखा। नमस्ते, मैं अंशुल हूँ, आप हैं मंच पर। शाहरुख खान की फिल्म पठान का जैसे ही पहला गाना बेशरम रंग रिलीज हुआ, वो विवादों में गिर गया, क्योंकि दीपिका ने फिल्म के बेशरम रंग गाने में भगवा रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसमें काफ़ी बोल्ड सीन दिए थे। सोशल मीडिया में एक तरफ पठान बायकॉट तो दूसरी तरफ पठान देखेगा हिंदुस्तान जैसे हैशटैग ट्रेंड होने लगे। देश भर में हिंदू संगठनों ने फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। इसके बाद फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार YouTube पर जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, तब करीब 1 मिलियन से ज़्यादा लोग इसका प्रीमियर लाइव देख रहे थे, लेकिन ट्रेलर में वो दम नहीं दिखा जिसमें देशभक्ति को जबरदस्ती ठूसा गया। शाहरुख खान का भी वही पुराना स्टाइल लग रहा है। दर्शकों के बीच जो पठान को लेकर क्रेज बना था, वो फुस्त निकला। आसान शब्दों में कहें तो फिल्म पठान के ट्रेलर में एक अजीब सी हड़बड़ी और उतावलापन ही नजर आता है। शाहरुख खान करीब 5 साल बाद फिल्म पठान के जरिए बॉक्स ऑफिस पर वापसी कर रहे हैं। उम्मीद थी कि इस फिल्म में कुछ नयापन दिखाई देगा। शाहरुख खान का लुक और गेटअप उनकी ही पुरानी एक्शन फिल्मों जैसे डॉन 2, रावण जैसे फिल्मों से मेल खाता है। वहीं एक्शन सीन्स में बेहद खराब VFX का इस्तेमाल हुआ है। पिछले 9 सालों से एक हिट फिल्म को तरस रहे शाहरुख खान की फिल्म पठान हिट होगी या फ्लॉप, ट्रेलर देखने के बाद ये कहना मुश्किल है। फिल्म पठान के ट्रेलर में दिखाए गए तमाम एक्शन सीक्वेंस दर्शकों को हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक की किसी न किसी फिल्म की याद दिला रहे हैं। फिल्म पठान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शाहरुख खान के फैंस का खूब समर्थन मिल रहा है। फिर भी क्या ट्रेलर देखने के बाद वे 25 जनवरी को रिलीज हो रही फिल्म पठान को थिएटर में देखने जाएंगे? क्या उनके एक्शन सीन को देखकर सीटियां मारेंगे? इस पर संशय। वहीं ट्रेलर में एक बार फिर से दीपिका भगवा रंग की स्कर्ट पहने नजर आई है। इस बार वे बोल्ड सीन नहीं, एक्शन सीन्स करती नजर आ रही। क्या फिर इस रंग को लेकर विवाद होगा? इसी रंग के लिए पठान विवादों में घिरी थी। देश भर में विरोध को देखते हुए सेंसर बोर्ड के चेयरमैन प्रसून जोशी ने बेशरम रंग के कुछ शॉट्स और फिल्म के कुछ डायलॉग में बदलाव किए थे। दीपिका की बॉडी के कुछ क्लोजअप शॉट को हटाया गया था। वहीं फिल्म के डायलॉग में भी सेंसर ने कैंची चलाई थी। ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।